जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा विकासखंड में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना के तहत महिलाएं कैंटीन संचालित कर रही हैं। इस तरह वे आर्थिक रूप से संपन्न हो रही है। पिछले दिनों कलेक्टर आकाश छिकारा ने इन महिलाओं द्वारा संचालित बिहान कैंटीन का जायजा लिया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महिलाएं बिहान कैंटीन के जरिए स्वयं को सशक्त बना रही है, साथ ही उन्हें स्वरोजगार भी मिला है। वे छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनाकर लोगों की जरूरतें भी पूरी कर रही हैं। प्रत्येक विकास खंड के अंदर एक बिहान कैंटीन का प्रारंभ किया है। इसका उद्देश्य ये है कि जो हमारे स्वयं सहायता समूह बिहान से जुड़े हुए हैं, उनका आजीविका को कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि कैंटीन एक ऐसा कार्य है जिसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बचता है और हमारे जनपदों के अंदर जो फुटफॉल रहता है वो 100-150 लोगों का प्रति दिवस रहता है। तो चाय, समोसा, पकौड़ी और बाकी ऐसी चीज़ें बनाकर महिला जो स्वयं सहायता समूह है वो महीने के अंदर 30-35 हज़ार रुपये का कुल विक्रय करके 18-20 हज़ार रुपये का प्रॉफिट कमा लेंगे। इस उद्देश्य से हमने हर जनपद में बिहान कैंटीन प्रारंभ किया है। और हमारा जो अकलतरा का बिहान कैंटीन है उसकी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ अंगाकार रोटी भी हमें प्राप्त मिलती है और जो कि ऑर्डर पर बड़ा ही स्वादिष्ट बनाई जाती है। अकलतरा जनपद पंचायत के ग्राम खटोला में जय मां तुरतुरिया समूह की महिलाएं बिहान कैंटीन चला रही है। इस समूह की महिलाओं ने बताया कि केंद्र सरकार ने बिहान योजना के जरिए उन्हें छत्तीसगढ़ी संस्कृति से जोड़े रखा है, साथ ही वे कैंटीन के जरिए खुद को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना रही हैं। हमन पहले जनपद आत रहे इनका देवा जनपद हमन जब भी मीटिंग हुए 10 बजे का आए 4 बजे जान भूख लगे बाहर भी होता वही से लेकिन व्यवस्था नहीं धुरिया रहे। अब लेकिन हमर दीदी मन बिहान में जुड़े एक बार कैंटीन चलाते हुआ ना अच्छा आमदनी मिला थे। ऐसे बिहान योजना अच्छा चलाते केंद्र सरकार है जो हमारे एक सीढ़ी दे है बाहर निकले के। पहले हमारे कोई जानत नहीं रिस कोई पहचानत रिस यहाँ तक के भी हमन कहीं भी आ जाना बहुत झिझकत रहे, लेकिन जब ले बिहान आए तब ले हमन बाहर आज जाते मान सम्मान दे थे वह वो कल में केंद्र सरकार धन्यवाद देता हूँ कि बिहान योजना चलाई से हमारा RFD से वह CIF राशि दी से लोन दी सोकन माध्यम से हम आजीविका अच्छा से चला था। बिहार में जुड़े फिर सक्रिय महिला बने फिर ओकर बाद में हाँ एक दिन मीटिंग में आए रहे जनपद फिर सर मन मोला कैंटीन के बारे बोलिस कैंटीन खोल लेवा करके तब फिर मैं यहाँ जनपद पंचायत में हम कैंटीन खोले हैं। फिर सर मन बहुत मदद करी से करी फिर क्लस्टर से मोला बिना ब्याज के पैसा भी दी से ओकर बाद फिर मैं यहाँ अकलतरा में जनपद पंचायत में मैं कैंटीन चला था अपन समूह के माध्यम से अब मेरा जीविका अच्छा से चला। अब यहाँ कैंटीन खुलने से हमारा फ़ायदा हो रहा है, इसमें सभी को आसानी से नाश्ता भोजन सबका व्यवस्था हो जा रहा है। और जो कैंटीन खुले हैं हमारे खटोला से ही खुला है। खटोला की महिला जो हमारी जो पहले सक्रिय महिला थी संतोषी धीवर उनके समूह का नाम है तुरतुरिया समूह। जो सक्रिय महिला का काम करती थी उनको यहाँ सर से जानकारी मिला कि कैंटीन खोलना है तो उनके लिए हामी भरी, इसके लिए यहाँ उनको कैंटीन के लिए जगह मिला और अब आजीविका कर रही है कैंटीन के माध्यम से। बिहान कैंटीन में आने वाले ग्राहकों ने महिला समूह के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्वाद लेने का अवसर मिल रहा है। स्व सहायता समूह द्वारा कैंटीन चलाएगा इस आस पास की सुविधा हो गई और हमारे जनपद कर्मचारी भी मतलब सुविधा हो गई नाश्ता पानी सब करे समय में व्यवस्था हो जाते नहीं तो हम लोग बाहर जाए। महिला समूह बिहान कैंटीन में छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजन तो परोस ही रही हैं। वहीं कलेक्टर ने इन महिलाओं से ये भी कहा है कि वे दूसरे प्रकार के व्यंजन भी कैंटीन में रखें।